आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फैमिली न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। आइए नजर डालते हैं न्यूज मंदसौर की बड़ी खबरों पर। नीमच जिले के मनासा में भंवरलाल की हत्या के आरोपित के घर पहुंचा मामा का बुलडोजर तो घबराया दिनेश कुशवाहा, मकान पर कार्रवाई से पूर्व किया सरेंडर, अब पुलिस करेगी सख्ती से पूछताछ। नीमच जिले के जीरन थाना अंतर्गत अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने अपने ही खेत पर फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जुटी जाँच में। नीमच में अज्ञात कारणों के चलते महू रोड स्थित सेटिंग गोदाम में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड की मदद से पाया आग पर काबू। नीमच में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शनिवार को 31वीं पुण्यतिथि सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई, कांग्रेस के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। नीमच में भाजपा युवा मोर्चा के जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता हुई संपन्न, 22 को उज्जैन में होगी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित। मंदसौर जिले के सीतामऊ में एंटी माफिया अभियान के तहत 50 लाख रुपए के शासकीय जमीन कर बना मकान किया ध्वस्त, तहसीलदार लक्ष्मी श्रीवास्तव सहित पुलिस अमला रहा मौजूद। नीमच जिले के ग्राम दुरकपुरा में शॉर्ट सर्किट से रोड़ी में लगी आग, सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड, कर्मचारियों ने समय रहते पाया काबू। मंदसौर में टीम पंछी बचाओ अभियान एवं संस्था बीआर फाउंडेशन ने मंदसौर में वितरित किए 1100 सकोरे, विधिक प्राधिकरण अधिकारी और समाज सेवियों ने हरी झंडी दिखाकर की शुरुआत। अब जानते हैं खबरें विस्तार से।